ठीक तो है, हमारा ट्रूथ और डेयर का सर्कल जो है ला सकते हैं सच या सजा। ये घुमाऊंगा और अगर सच पे आया तो आपसे मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिसमें आपको सच बोलना पड़ेगा सबको। okay. और अगर सजा आई तो फिर मैं आपको सजा दूंगा। ओके ओके मुझे ऐसा बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वर्स्ट फिल्म कौन सी रही है तुम्हारी जिंदगी की? देखो, जो भी परफॉर्मेंस था मेरे लिए शानदार था। मूविंग ऑन, नाउ इट्स योर टर्न। इट्स माय टर्न। सज़ा, पनिश मी प्लीज। ओके, एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, आपके लिए कुछ है। कैन वी हैव दैट कुछ दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू? कुछ कुछ दे दो। ओके, एज यू कैन सी, ये एक गोल्डन राखी है। मैं किसी राखी को नहीं जानता। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ओके, दैट्स ऑल राइट। सो हमारा तुम्हारे साथ सच बाकी है। ओह, दिस वन हैज टर्नड आउट वर्स देन आई थॉट, रियली ऑनेस्टली। ओके, नहीं, कभी कभी सच बोलती है आलिया। मुझे ये सच बताओ कि ऐसा कोई यंग एक्टर है जो तुमसे बेहतर एक्टिंग करता है? ऑनेस्टली, आपने यंग कह के मेरा जॉब काफी आसान कर दिया है, तो यंग एक्टर वुड हैव टू बी वन एंड ओनली शाहरुख खान। किसी और का भाई बना लिया और मेरे से चापलूसी कर रही है, मैं सब समझ रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल, आई मीन इट माय हार्ट। ओके, फॉर मी नाउ, तुमने मुझसे सच की बात की है तो मैं तुमसे सच बोलना चाहूंगा। okay. यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत, वी हैव गॉट द वर्सटाइल ब्यूटी, वी हैव गॉट द अनस्टॉपेबल ब्यूटी, वी हैव द एवरग्रीन ब्यूटी, वी हैव ऑल द ब्यूटीज इन द वर्ल्ड। लेकिन सारी सात ब्यूटीज को मिलाकर अगर मैं किसी का फैन हूं तो वो जो ब्यूटी है वो सिर्फ आलिया भट्ट।